हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, अभी अभी की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फ्रेंड, मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर पार्ट थ्री का रिजल्ट को जारी कर दिया गया। सेशन 2016 से 2019 के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है फ्रेंड। यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर आपका पार्ट थ्री का रिजल्ट को जारी कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली वेबसाइट पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको रिजल्ट चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों ये वीडियो को अब इतने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और यहाँ पर फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पार्ट थ्री का रिजल्ट को जारी कर दिया गया है फ्रेंड। तो चलिए, आपको सबसे पहले मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर खोल रखा हूँ। तो इसका ये लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का। तो उसके बाद यहाँ पर जैसा कि दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस आएगा मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो, और उसके बाद सीधे आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। तो आने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख दिखा ऑनलाइन रिजल्ट शो हो जाएगा यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने मगध यूनिवर्सिटी बोधगया यहाँ पर लिखा आ जाएगा और आपको नीचे कोर्स नेम मांगा जाएगा और यहाँ पर रोल नंबर दो बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कोर्स नेम। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप कोर्स सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और नीचे करते हैं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा BA पार्ट थ्री, BCom पार्ट थ्री, BSc पार्ट थ्री। यानी कि अगर आप BA, BSc, BCom यानी कि तीनों स्ट्रीम के यहाँ पर जारी कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फिर यहाँ पर अगर आप BA पार्ट थ्री के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको रोल नंबर मांगा जा रहा है, इस पर आपको आपको रोल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है तो फिलहाल मैं किसी का चेक नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप रिजल्ट को चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अपना रोल नंबर, वहां पर मैं आपको रिजल्ट चेक करके ज़रूर कमेंट में बताऊंगा। तो आप लोग जरूर जल्दी जल्दी यहां पर रोल नंबर को अपना कमेंट कीजिए। तो इसी प्रकार से आप यहां पर जैसे कि यहां पर रोल नंबर डाल दीजिएगा और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सर्च रिजल्ट दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने मार्कशीट खुलकर आ जाएगा, आपका जो भी रिजल्ट है उसको शो कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा किसी भी स्टूडेंट के या यहाँ पर रोल नंबर नहीं, इसी के कारण आपको नहीं बता पा रहा हूँ लाइव यहाँ पर चेक करके। तो आप चेक करवाना है तो आपको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, आपको मैं यहाँ पर रिजल्ट चेक करके ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा पसंद आएगा तो, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पर पार्ट थ्री का बहुत से छात्रों का इंतज़ार था जो कि यहाँ पर रिजल्ट को जारी कर दिया गया, इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।